नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरोगा के 5000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो जाएगी। पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड सितंबर के अंत में विज्ञापन निकालेगा। नवंबर के अंत में या दिसंबर के शुरुआत में लिखित परीक्षा कराई जाएगी। फरवरी 2020 में दौड़ कराने की तैयारी है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि भर्ती परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। एक माह में एजेंसी का चयन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि 5000 से अधिक पुलिस उप निरीक्षक के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सितंबर के अंत में शुरू हो जाएगी। इन पदों पर परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अगले एक महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। विश्वकर्मा ने बताया कि इस भर्ती के लिए जो भी युवक गंभीर हैं और पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो वह अपनी तैयारी शुरू कर दें। इस बार आदिवासियों के लिए पहली बार अलग से परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। आदिवासियों के लिए पहली बार अलग से परीक्षा केंद्र भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि उप निरीक्षक भर्ती में आदिवासियों को भी पूरा मौका दिया जाएगा। पिछली भर्ती में आरक्षित पद होने के बाद भी एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला था। प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी सोनभद्र जिले में आते हैं। ऐसे में इस बार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सोनभद्र में अलग से परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की दौड़ भी सोनभद्र में ही कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे अधिक से अधिक अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। अब लिखित परीक्षा से होगी सिपाही भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में पुलिस परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का साफ संकेत दे दिया है। पिछली सरकार ने मेरिट के आधार पर भर्ती की नियमावली बनाई थी, लेकिन योगी सरकार लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती कराए गए इसके योग्यता का सटीक मूल्यांकन हो सकेगा। सरकार ने 1.5 लाख आरक्षी की भर्ती 5 वर्षों में पूरा करने को कहा है। साथ ही इस वर्ष 30,000 आरक्षी और 2,000 दरोगा भर्ती होंगे। जाति और लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें पहले तो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा जो 300 अंक का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता का प्रश्न शामिल होंगे। किसी भी सवाल का जवाब गलत देने पर निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। दूसरा डॉक्यूमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तीसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें शारीरिक परीक्षाओं में पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। तो अगर इस बार यूपीएसआई क्लियर करना ही है तो कालका आईएएस एकेडमी लाए हैं यूपीएसआई के लिए ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज, बुक्स, जिसमें आप घर बैठे तैयारी कीजिए और कोई भी डाउट हो तो 24 घंटे सातों दिन टीचर्स आपके साथ होंगे। तो आज ही ज्वाइन करें। हमारी वेबसाइट है www.kalkadelhiias.com या कॉल करें 9111831119 पर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।